नमस्कार, दिन भावना टाइम्स पे आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी पांडे। बेहद पॉपुलर शो फ्रेंड्स स्टार मैथ्यू पेरी का अक्टूबर में अचानक निधन हो गया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। ऐसे में पेरी के फैंस से लेकर तमाम स्टार बस ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। वहीं अब एक्टर की मौत की वजह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैथ्यू पेरी की मौत की असल वजह सामने आ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स स्टार मैथ्यू पेरी की मौत पावरफुल कैटामाइन के ओवरडोज से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में पेरी की बॉडी में हेलोसिनोजेन प्रॉपर्टीज के साथ ही एक शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक कैटामाइन हाई लेवल पर पाया गया, जो आमतौर पर मॉनिटर किए गए सर्जिकल केयर में इस्तेमाल किए जाने वाले एनेस्थेसिया से जुड़ा होता है। इसने उनकी हार्ट बीट्स को बढ़ा दिया और वो बेहोश हो गए थे। इसके बाद वे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि पेरी दवा के साथ ही मेडिकल सुपरवाइज ट्रीटमेंट के बीच कैटामाइन के साथ सेल्फ मेडिकेशन भी करते थे। बता दें कि मैथ्यू पेरी अक्टूबर में अपने घर के स्विमिंग पूल में बेहोश पाए गए थे। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि एग्जामिनर को उनकी मृत्यु के स्थान से कोई भी शराब, अवैध दवाएं या फिर नशीली दवाएं का सामान बिल्कुल नहीं मिला था। पेरी के लिविंग रूम में निकोटीन वेपिंग प्रोडक्ट्स और एक इनहेलर पाया गया था। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।